नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आज भारत के अंदर लाखों लोगों को किस तरह लोन ऐप्स ने बर्बाद कर दिया, मतलब किस तरह उनकी ज़िंदगी के लिए एक शराब बन चुकी है अगर उन्होंने कहीं किसी इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया है तो। सबसे पहली बात तो कि भाई आज की डेट में हर किसी को फास्ट चीज़ें चाहिए, 5 मिनट में लोन चाहिए, इजी लोन चाहिए, विदाउट डॉक्यूमेंट लोन चाहिए, मार्कशीट पे लोन चाहिए, और वो खुद अपने आप को एक ट्रैप में फंसा लेते हैं, जैसे कि ये भाई साहब इस जार के अंदर बंद हो गए लोन लेके। सबसे पहली बात, आपको जो लोन मिलते हैं बहुत अनरियलिस्टिक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, कई कई इंस्टेंट लोन ऐप तो 50-50% पे लोन देती हैं, जिसके कारण आपकी जो ईएमआई आती है मंथली इंस्टॉलमेंट वो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ब्याज आप पे ज़्यादा लग रहा है तो ईएमआई ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या रहता है कि व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, वो उठ ही नहीं पाता। मतलब महीने की उसकी सैलरी आ रही है 40,000 की और किस्तें जा रही है 30-35,000 की, वो क्या तो बचाएगा घर में, और अनरियलिस्टिक यानी कि वो बेचारा दब के रह जाता है कर्ज के बोझ में। अब होता है क्या है, जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो बहुत गंदे ढंग से हरास करते हैं, मेंटली हरास करते हैं, सुबह शाम कॉल करेंगे, आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कॉल करेंगे, आपकी जो फेसबुक ट्विटर की प्रोफाइल्स है वहाँ पर उल्टे सीधे कमेंट्स डालेंगे, यानी कि एक तरीके से आपका जीना हराम कर देंगे, वो फ़ोन पर गालियाँ बकेंगे, आपके घर आके आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या रहता है, फिर आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं बुरी तरीके से, क्योंकि मेरे पास भी कई बार कॉल आ चुका है कि साहब मैं सुसाइड कर लूँगा अगर यदि ये बहुत परेशान करके रखा हुआ रिकवरी, और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि ये जो ये इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप्स है, ये जिस तरह चाइना में बंद हुई इंस्टेंट पर्सनल लोन है, वैसे इंडिया में भी बंद होगी, इनका कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मुझे और फ्रेंड्स अगर यदि आपको पर्सनल लोन चाहिए, आप हमसे कॉन्टेक्ट करो, हम आपका पर्सनल लोन बैंक से कराएंगे, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कराएंगे। हमारी सिर्फ दो ही कंडीशन है कि एक तो आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर होना चाहिए और आपकी सैलरी 25,000 के ऊपर होनी चाहिए। हम किसी से कोई कमीशन नहीं लेते, हम डायरेक्ट ऑनलाइन डिजिटली फाइल लॉगिन करते हैं, हमारे पास हर बैंक की का प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल जिस बैंक में सूट करती है हम उसी में आपकी फ़ाइल लगाते हैं। तो फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड।